Okay, as far as today's webinar is concerned, automatic writing की जब हम बात करते हैं, नाम से ही पता लगता है वो चीज जो हमारे कंट्रोल के बाहर, जो खुद से हो रही है. ऑटोमेटिक राइटिंग एक्चुअली है क्या? जब आप अपने हायर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करते हो, अपने सबकॉन्शियस से कुछ चीजें डाउनलोड करते हो. आप लोगों में से जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन या आकाशिक रिकॉर्ड्स कर रहे हैं, तो वहां पे भी आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग ऑल्टर्ड स्टेट में जाते हो, हायर कॉन्शियसनेस में जाते हो, वहां से मैसेजेस डिराइव करते हो. कुछ फ्लैशेस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स, कुछ मैसेजेस आपको मिलते हैं और फिर आप उन मैसेजेस को डीकोड करते हो अपने आंसर्स पाने के लिए. नाउ ऑटोमेटिक राइटिंग इज समथिंग दैट यू कैन यूज एनीवेयर. आपके मन में कोई उलझन है, आपको समझ नहीं आ रहा है, या कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स कुछ आती हैं सामने जो हम किसी से शेयर भी नहीं कर सकते, नहीं करने के हालत में शेयर कैसे करें, क्या बोले, एंड उस स्टेट में इट इज बेटर ऑलवेज टू कनेक्ट विथ योर हायर एनर्जीज. चाहे आप एंजल से कनेक्शन बनाएंगे, चाहे जिनको आप मानते हैं, जो भी आपके डिवाइन एनर्जीज को आप मानते हैं, जिनकी भी पूजा आराधना करते हैं, उनसे कनेक्शन बना के हम फिर वहां से मैसेजेस डिराइव करते हैं. और मैसेजेस ऐसे कि अपनी बॉडी का एक भाग, यानी कि अपना डोमिनेंट हैंड, हम उन एनर्जीज को सरेंडर करते हैं. तो इसमें सबसे ज्यादा पावरफुल इफेक्टिव मेथड क्या होता है कि आपने अपने ही कॉन्शियस लेवल पे आपने ये सोचा कि आप अपना डोमिनेंट हैंड डिवाइन एनर्जीज को या एंजल्स को सरेंडर करेंगे. और फिर जैसे जैसे आप ऑल्टर्ड स्टेट में जाते जाओगे, दैट हैंड वुड बी टेकन ओवर बाय देम और आपका हाथ अपने आप चलने लगेगा. ये जो राइटिंग आती है, ये राइटिंग कोई बहुत सुंदर या आपकी लिखावट जैसी राइटिंग नहीं आती है. कई बारी इसमें सिर्फ आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी बच्चे ने स्क्रिबल कर दिया है, पूरा पेज भर जाएगा स्क्रिबलिंग से. कई बारी एक ही जगह पे छोटे 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 आपको गोले दिखेंगे या कुछ ऐसा स्क्रिबलिंग सा छोटा सा निशान. तो ये सारे सिंबल्स होते हैं जो हमें रिसीव हो रहे हैं वहां से. अब अगर हम इन्हें एक्नॉलेज करना शुरू करते हैं, हम इन्हें पहचानना शुरू करते हैं, तो ये आकार ले लेते हैं शब्द का. और जहां शब्द का आकार लेते हैं, वहां बन जाती है ये ऑटोमेटिक राइटिंग. अभी रिसेंटली आई वॉज डूइंग ऑटोमेटिक राइटिंग फॉर समबडी और एक आपके साथ बस शेयर करूंगी. दिस इज अ स्मॉल थिंग. इसमें आप राइटिंग देखेंगे, दिस इज नॉट प्रॉपर हैंड राइटिंग. आप लोग ये देख पा रहे होंगे, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, दिस इज विजिबल. यस मैम. अब आप देखेंगे इसमें ना तो लाइनों का पता चल रहा है, ना वर्ड्स का पता चल रहा है, बस कुछ ऐसा लिखा है और आपको भी नहीं पता ये कब लिखा है. सो दिस इज जस्ट अ सैंपल जो अभी रिसेंट किया. अब इसमें देखा जाए तो कई सारे सिंबल्स हैं. इन सिंबल्स को डीकोड करना, इस राइटिंग को पहचानना, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू वर्क ऑन. अब कुछ चीजें आप लोग रेजोनेट कर पाएंगे. जो लोग नए हैं, न्यू टू दिस फील्ड, आप लोगों ने अगर मूवी देखी है, एक मूवी है तलाश, आमिर खान की मूवी है वो, और उसमें था कि हिज सन ही लेफ्ट हिम इन एन एक्सीडेंट. तो वो काफी परेशान हो रहे होते हैं एंड देन दे कम इन कॉन्टेक्ट विद अ लेडी जो उनके बिहाफ पे उनके सन से कनेक्ट करके ऑटोमेटिक राइटिंग करती है एंड शी इज कन्वेइंग मैसेजेस. उनका बेटा बता रहा है वो बिल्कुल ठीक है एंड ही इज रिलीजिंग हिज फादर ऑफ द गिल्ट के आपने ऐसा कुछ नहीं किया था. सो दिस इज सम पार्ट ऑफ इट विच वी गेट टू सी, जो हमने देखा हुआ है तो आप उससे कनेक्ट कर पाएंगे. मोर ओवर फर्स्ट आई विल जस्ट शेयर कि हम क्या कंटेंट्स इसमें कवर करेंगे, हाउ दिस कोर्स वुड मूव अहेड, हमारी ये जर्नी कैसी रहेगी,
तो पहले मैं आपको कुछ चीजें शेयर कर दूं एंड देन वी मूव अहेड विद द अदर कंटेंट्स के क्या है. सो बिगनिंग विद द स्लाइड. ओके द फर्स्ट स्लाइड ऑटोमेटिक राइटिंग. अब इसमें भी अगर आप देखेंगे जो लोग सिजिल्स कर रहे हैं या सिंबल्स की और क्लासेस में, यू विल बी एबल टू कनेक्ट. इवन आई हैव ड्रॉन सम सिंबल्स हियर एंड आई पर्पसली ड्रू इट बिकॉज ये सिंबल्स सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए नहीं होते हैं, मैं इन्हें प्रैक्टिकली अप्लाई करती हूँ अपनी डे टू डे लाइफ में. व्हेन आई एम talking about something, when I am delivering something, that is something which I am practicing in my day-to-day life. So you can be assured of that. अब इस कोर्स के दौरान हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे. कंटेंट्स टू बी कवर्ड में है कि ऑटोमेटिक राइटिंग पहली चीज है क्या, इसका इंट्रोडक्शन जिसमें इसके थोड़ी हिस्ट्री का पार्ट आएगा, इसके बेनिफिट्स क्या हैं. और आप लोगों को ये जान के शायद थोड़ी सी हैरानी भी हो, आज की डेट में कुछ एस्ट्रोलॉजर्स भी ऑटोमेटिक राइटिंग यूज करते हैं फॉर प्रेडिक्शन. यस दे डू. ऑटोमेटिक राइटिंग कैसे वर्क करती है, फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो ऑटोमेटिक राइटिंग से रिलेटेड सबके दिमाग में होते हैं जिन्हें आंसर करना बहुत जरूरी है, ऐसे इश्यूज जिनमें ऑटोमेटिक राइटिंग आपकी मदद कर सकती है, या ऐसे कुछ सवाल जब आपको कहीं से जवाब नहीं मिल रहा होता है तो यू कैन रिसॉर्ट टू ऑटोमेटिक राइटिंग. आप शांत जगह पे बैठ के खुद की हायर सेल्फ से कनेक्ट करके आंसर्स निकाल सकते हैं. ऑटोमेटिक राइटिंग एंड ऑकल्ट साइंसेस, क्या रिलेशन है, कैसे फंक्शन करता है, फिर आप किससे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू. और ये सिर्फ थ्योरी वर्क नहीं है, इट इज इन्वॉल्विंग लॉट ऑफ प्रैक्टिकल सेशंस एंड मेडिटेशंस, क्योंकि आपको ऑल्टर्ड स्टेट में ले जाने के लिए मेडिटेशन ही सहायक है. देन अंडरस्टैंडिंग द साइंस दैट यू हैव कॉन्टैक्टेड अ नेगेटिव एनर्जी. हम किसी भी चीज में अगर अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं तो उसके दोनों साइड्स हम देख कर चलते हैं. तो आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे एंटर कर गए हो. अगर वो जोन आपके मतलब का नहीं है तो उससे बाहर निकलने का रास्ता भी आपको बताया जाएगा, हाउ टू फ्री योरसेल्फ. देन साइकिक प्रोटेक्शन टू काउंटर एनर्जी. कोई भी एनर्जी है तो उस केस में हमें प्रोटेक्शन कैसे लेनी है, और ये सारे स्टेप्स आप फॉलो करेंगे इन दिस व्यू ऑफ ऑटोमेटिक राइटिंग. फिर अपनी खुद की सेक्रेट स्पेस बनाना. जब आप ऑटोमेटिक राइटिंग करते हो वाया मेडिटेशन तो आप अपनी खुद की सेक्रेट स्पेस बनाते हो. देन कनेक्टिंग विथ हायर एनर्जीज टू फाइंड आंसर्स टू योर क्वेश्चंस. आपके सवालों के जवाब, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो. आप ये देखिए, लोग इतनी छोटी सी बात, अगर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है और वो स्टॉक का प्राइस हायर रेंज पे चल रहा है तो वो उस प्राइस पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, ये आंसर भी वो ऑटोमेटिक राइटिंग से डिराइव करते हैं. I would request all of you to please mute yourself. फिर इसमें आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर डिराइव कर सकते हैं, चाहे वो क्वेश्चन कितना भी छोटा क्यों ना लगे आपको. देन इसमें ऑब्वियसली बिकॉज योर एनर्जीज आर इन्वॉल्व सो इट इन्वॉल्व्स चक्रा क्लेंजिंग मेडिटेशन, जिससे कि आप सिर्फ एक ऑटोमेटिक राइटिंग के लिए नहीं बल्कि और भी कई मोडालिटीज के लिए आप तैयार हो जाते हैं. क्योंकि चक्रा क्लेंजिंग इज अ वेरी पावरफुल टूल. एक बार ही आपके सारे चक्रास बैलेंस्ड हो गए, अलाइन हो गए, तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाती है.
और आपकी एनर्जी शिफ्ट होती है तो आपके आसपास के लोगों की एनर्जी भी शिफ्ट होती है. देन डिटेल्ड स्टेप्स फॉर सक्सेसफुल ऑटोमेटिक राइटिंग. ये स्टेप्स आपको थियोरेटिकली भी बताऊंगी और प्रैक्टिकली क्लास में होंगे. फिर आप अपनी राइटिंग को इंटरप्रेट कैसे करेंगे, जैसे कि अभी मैंने आपको एक सैंपल दिखाया था राइटिंग का, तो उसमें बहुत सारे सिंबल्स भी थे, कुछ अक्षर लिखे थे, कुछ सिंबल्स थे, तो उन सबको कंबाइन करके हम एक रिपोर्ट कैसे तैयार करेंगे. दैट इज व्हाट ऑटोमेटिक राइटिंग इंटरप्रिटेशन विल कंटिन्यू. सो दीज आर द कंटेंट्स दैट विल बी कवर्ड इन ड्यू कोर्स. और आप लोगों को और अगर कोई डाउट है इससे रिलेटेड, यू कैन रेज योर क्वेरी.